हरीश जैन, मेरी उम्र 66 साल, पाँव में बहुत दर्द रहता था, 200-300 मीटर का चक्कर लगाते बैठना पड़ता था, 10-15 मिनट खड़े रहते तो भी लगता था गिरूंगा, तो मेरा जब बैठ जाता था फिर मैंने कही क्या करें अब यार, कई इलाज करवाए, देसी करवाए, होम्योपैथी के करवाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बोलता है कुछ कराओ, कोई बोलता है कुछ कराओ, से बिल्कुल भी आराम नहीं आया। फिर मेरे मिलने वालों ने बताया कि भाई ऑपरेशन नहीं है इसका इलाज, और कुछ भी नहीं है आप, तो फिर मैंने कहा यार किससे कराऊँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैंने करवाया है, मेरे मिलने वालों ने, 3-4 जनों ने और करवाया है, सेल्वी हॉस्पिटल है उसमें, तो दीपक सैनी सर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। फिर मैं उनसे मिला, उनसे टाइम लिया, फिर उन्होंने बताया भाई 10 अप्रैल को ले लो टाइम, 10 अप्रैल को ऑपरेशन कर देंगे आपका। फिर मैंने 9 तारीख को एडमिट हुआ और 10 तारीख को ऑपरेशन हो गया मेरा। ऑपरेशन करके उन्होंने बताया भाई आके मेरे से मिले, बोलो ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है आपका, आराम से महीने भर बाद 15-20 दिन बाद में आप चलने लग जाओगे। फिर मैं 20 दिन बाद में टांके खुलवाए, टांके खुलवाने के बाद में 2-3 दिन घर रहा, घर में ही घूमता रहा, फिर वापस पार्क में जाने लग गया। आज 3-4-5 किलोमीटर घूम के आता हूँ सुबह सुबह। फिर अब डॉक्टर साहब को दिखाना है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, हंसमुख है एकदम। लिफ्ट में भी आ जाता हूँ कभी, तब लिफ्ट ख़राब होती है तो लिफ्ट सीढ़ियों से भाई आता हूँ, 27 सीढ़ी है, 27 सीढ़ी चढ़ के आता हूँ, 27 सीढ़ी उतरता हूँ, सुबह मंदिर पूजा करने जाता हूँ, आराम से पूजा करके आता हूँ, वहाँ पे भी 10-15-20 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है। फिर सुबह घूमने जाता हूँ, शाम को घूमने जाता हूँ, दोनों टाइम घूम जाता हूँ। फिर शाम को हमारे मंदिर में चल जाते हैं, जैन मंदिर है, वहाँ आरती करके आ जाते हैं, स्कूटर चलाने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो बिल्कुल भी।